हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। ही असांजो पार्ट टू आहे प्रेसी राइटिंग जो। दिस इज़ आर पार्ट टू ऑफ प्रेसी राइटिंग। इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ प्रेसी राइटिंग। हिन पार्ट में असां डिस्कस कंदासीं त प्रोसीजर्स कहिड़ा आहिनि प्रेसी राइटिंग जा। ठीक है, फर्स्ट प्रोसीजर जो है हमारा प्रोसीजर ऑफ प्रेसी राइटिंग। नंबर वन, रीड एनालिटिकली यानी क्रिटिकली। जब आप किसी चीज़ को एनालिटिकली क्रिटिकली हर एस्पेक्ट से पढ़ते हैं ना, अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ पढ़ते हैं, तो वो आपको पैसेज, वो चीज़ आपको डिफरेंट एंगल से समझ में आती है। तो यही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है आपकी फ़र्स्ट रीडिंग में। जब आप फर्स्ट रीडिंग दे रहे हैं पैसेज को, तो आप इसमें इसकी अटेंशन में अब्जॉर्ब हो जाएँ, उसमें पूरी अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन दे दें। ओके, और आपको पूरी तरह से ग्रैप्स करना है आइडियाज़ को, आपकी पूरी कंसंट्रेशन उस पैसेज में लगानी है, तो फुली अंडरस्टैंड करना है तो बेसिकली ये पैसेज कह क्या रहा है हमें। ओके, ये पैसेज किसके बारे में है। ओके, तो आप उसको अपनी अटेंशन लाजमी क्रिटिकल और एनालिटिकल अटेंशन आपको उस पैसेज पे ज़रूर देनी है। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई फर्स्ट सिंगल रीडिंग जो है इज़ नॉट थॉट टू बी सफिशिएंट। एक सिंगल रीडिंग काफ़ी नहीं है किसी पैसेज को समझने के लिए। अगर आपको समझ रहा है एक पैसेज के, काफ़ी कुछ डिफ़िकल्ट पैसेजेस होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते। ओके, तो इट्स वेरी नेसेसरी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट पैसेजेस, यू मस्ट पे फुल अटेंशन टूवर्ड्स दैट पैसेजेस। आपको एक बार समझ में आया, दूसरी बार पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें। ओके, तो फर्स्ट गो थ्रू इट करें, फुली इसको अंडरस्टैंड करें, फिर भी नहीं आ रही, दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे दो तीन चार बार जो ना आप उसको रीड करें, जैसे आप उसकी फुल मीनिंग ग्रैप्स कर सकें। सेकंड जो होता है हमारा वो प्रोसीजर होता है प्रेसी राइटिंग का, वो होता है स्कैन और हाइलाइटिंग। ओके, स्कैनिंग और हाइलाइटिंग। स्कैनिंग और हाइलाइटिंग का मतलब है कि जो भाई आपको मेन आइडियाज़ लग रहे हैं ना इस प्रेसी राइटिंग में, उसको आप हाईलाइट करें। इससे क्या होगा, जीअं तव्हां मेन आइडियाज़ हाईलाइट कंदो, हिन सां तव्हांजो टाइम बि बचंदो ऐं तव्हांखे प्रॉब्लम्स प्रेसी राइटिंग जॾहिं फेयर कंदो, हुन जा प्रॉब्लम्स बि तव्हांखे घटि फेस करणा पवंदा। ये आपका टाइम बि बचाएगा, आपकी लेबर बि बचाएगा, आपको ट्रबल्स से बि बचाएगा फ्यूचर जब आप फेयर ड्राफ्ट बनाएंगे प्रेसी राइटिंग का। क्योंकि जब आपने अंडरलाइन किया होगा तो आपको समझ में आएगा कि भाई आपके मेन पॉइंट्स कौन से थे, फिर उसको आप जो है ना आइडियाज़ को जॉइंटली पिकअप करना है और उसको लॉजिकल ऑर्डर में पुट करना है विदाउट ग्रामेटिकल एरर्स। ओके, सो दीज आर द बोथ पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेकेंड नंबर जो, थर्ड नंबर पे जो है सजेस्टिंग ए सूटेबल टाइटल। या कभी कभी कुछ राइटर्स बुक के लिखते हैं कि लोअर लेवल की प्रेसी राइटिंग में, जब सिंपल प्रेसी राइटिंग होती है तो कभी कभी स्टार्टिंग में भी होता है उसका टाइटल, कभी कभी एंड में भी उसका टाइटल होता है। मगर जब भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की हम बात करते हैं प्रेसी राइटिंग की, फॉर एग्जांपल सीएसएस एग्ज़ाम के लिए, पीसीएस और एसपीएससी के लेवल के एग्ज़ाम होते हैं ना, कभी कभी हमें कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऐसी होती हैं कि जो हमारा टाइटल होता है वो स्केटर्ड हुआ होता है डिफरेंट एरियाज़ में। कुछ जब तक आप पूरे पैसेज को ग्रैप्स नहीं करते, तब तक आप उसके टाइटल का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ओके, सो आप इस पे रिलाई ना करें, कभी स्टार्टिंग में हो या एंड में हो, तो आप उसको फुली अंडरस्टैंड करें पैसेज को। जब आप फुली अंडरस्टैंड करेंगे, फुल एक्सप्रेशन को समझेंगे, उसके पैसेज की रिक्वायरमेंट समझेंगे, क्या कह रहा है राइटर हमें उस पैसेज में, तो जो है ना आपको एक सूटेबल टाइटल मिल जाएगा। तो उस बेसिस पे आप जो है ना अपना टाइटल सेलेक्ट करें। ओके, दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू सेलेक्ट अ टाइटल। नंबर फोर जो है प्रेसी रफ एंड फेयर ड्राफ्ट। जब भी आप प्रेसी पे काम कर रहे हैं तो फर्स्ट जो हमेशा रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर करें। रफ ड्राफ्ट पिकअप प्रिपेयर करने से क्या होगा, एक तो आपका जो है ना वो आपकी ग्रामेटिकल जो एरर्स होती हैं आप डिलीशन भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, और जो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं आप, जो एडिट कर सकते हैं आपको, अगर कोई ग्रामेटिकल स्पेलिंग गलती हो गई है आपकी, पंक्चुएशन गलती हो गई है, ओके, और आपकी समझ में आपका कोहेरेंस मेंटेन नहीं हो रहा आपकी प्रेसी राइटिंग में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तव्हां जेको आहे न फेयर ड्राफ्ट खां डायरेक्ट फेयर ड्राफ्ट न बणायो ऐं तव्हां पहिरियों रफ ड्राफ्ट बणायो। जीअं रफ ड्राफ्ट बणाईंदो त तव्हांखे उहो, इट विल हेल्प यू टू मेक अ फेयर ड्राफ्ट। ओके, सो दिस विल हेल्प यू टू मेक ब्लंडर इन दिस विल हेल्प यू टू मेक अ ब्लंडर इन
टू अवॉइड द ब्लंडर्स इन फेयर ड्राफ्ट. ओके, तो कोशिश करें आप जो पहले रफ ड्राफ्ट बनाएं उसके बाद जो है वो आपको राइट ड्राफ्ट बना सकते हैं. ओके, दिस प्रेसी इज़ प्रैक्टिकली रेडी, तो फिर जो है आपकी एक अच्छी प्रेसी रेडी हो जाएगी. उसके बाद जो हम देखेंगे फ्रेज प्रेसी. फ्रेज प्रेसी जो है आपकी वो जो इनकम्प्लीट फ्रेज प्रेसी जो होती है, तो फ्रेज होता है बेसिकली, इसका मतलब है इनकम्प्लीट सेंस. किसी चीज़ का इनकम्प्लीट सेंस हो उसको हम फ्रेज बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल एट द डोर ये फ्रेज है, ऑन द चेयर ये फ्रेज है, इनकम्प्लीट सेंस हो वो फ्रेज होते हैं. फ्रेज के तीन किस्म होते हैं भाई, इट्स नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज. आई आल्सो मेड अनदर वीडियो ऑन नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब फ्रेज. ओके, बस यू इन ऑर्डर टू मेक अ प्रेसी आपको यहाँ पे फिलहाल जो है ना आपको नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, एडवर्ब फ्रेज को काम करना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एडजेक्टिव फ्रेज में एडजेक्टिव बनाने आने चाहिए और एडजेक्टिव को कन्वर्ट करने आने चाहिए एडजेक्टिव फ्रेज में. एडवर्ब फ्रेज को आप कन्वर्जन कर सकें एडवर्ब में और एडवर्ब को एडवर्ब फ्रेज में कन्वर्जन कर सकते हैं. अगर ये आपको आर्ट होगा ना कन्वर्जन ऑफ फ्रेजेज इंटू सेंटेंस एंड सेंटेंसेज इंटू फ्रेजेज, इट विल हेल्प यू अ लॉट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सेंटेंसेज इन प्रेसी राइटिंग. दैट्स वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये आपको जो है ना प्रेसी राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगे. ये आर्ट को सीखना है आप हाई स्कूल इंग्लिश रेन एंड मार्टिन का बुक इस्तेमाल कर सकते हैं. कन्वर्जन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सेंटेंसेज और कंपाउंड टू सिंपल सेंटेंसेज, कन्वर्जन ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज टू एडवर्ब नाउन एंड एडजेक्टिव. ये कन्वर्जन आप सीख जाएंगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन प्रेसी राइटिंग. ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी प्रेसी राइटिंग में. ओके, सो क्योंकि ये जो है हमारा जो कन्वर्जन है फ्रेजेस की वर्ड्स में, वो आपको जो है ना रिड्यूसेस करती है नंबर ऑफ़ वर्ड्स टू ग्रेट डील विदाउट लूजिंग ऑफ सेंस एंड मीनिंग, बगैर के किसी चीज़ सेंस उसकी माना के माना ख़त्म करने के बगैर वो आपकी हेल्प करती है. दिस नंबर रिक्वायर्ड ऑफ द प्रेसी राइटिंग मे बी सुटेबल एडजस्टेड. दिस इज़ वाई फ्रेज प्रेसी या कन्वर्जन ऑफ फ्रेजेस, यही बात कर रहा है. तो कन्वर्जन ऑफ फ्रेजेस को आना चाहिए आपको वर्ड्स में जो आपको प्रैक्टिस करनी है. रेन एंड मार्टिन का बुक लिखा है, आपके पास की होनी चाहिए रेन एंड मार्टिन की, तो उससे आप प्रैक्टिस करके आप अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं फ्रेज से कन्वर्ट कर फ्रेज को आप फ्रेज को सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना सीखे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ज़रूर करना है. ओके, तो होल्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस द प्रोसेस ऑफ, जैसे कि बता रहा है, होल्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द प्रोसेस ऑफ प्रेसी राइटिंग. ये चीज़ बहुत बड़ी हेल्प करेगी आपको प्रेसी अटेम्प्ट करने में. एक हमारा सेंटेंस है, इट्स नो यूज़ ऑफ इट, इट इज़ नो यूज़ ऑफ, ये हमारा फ्रेज है. मैं कुछ एक्सरसाइजेज यहाँ पे दी हुई हैं, तमाम कुछ एक्सरसाइज इन दिनों आए. यू मे आल्सो गेट हेल्प फ्रॉम सम सेंटेंसेस दैट हाउ वी नीड टू मेक द फ्रेज इन टू द सिंपल सेंटेंसेस. ओके, तो कन्वर्जन करना भी यहाँ पे देखें, इट इज़ नो यूज़ ऑफ इट, ये एक फ्रेज है, इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है, इट इज़ नो यूज़ ऑफ इट. तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप अंदाज़ा लगाएं, सोचें, सोच लिया आपने? आप अभी चेक करें आपने जो लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके फिर चेक करें आपने जो लिखा है वो आपका आंसर सही है. ये इसका आंसर होगा, इट इज़ यूज़लेस. ओके, इट इज़ नो यूज़ ऑफ इट का जो प्रेसी होगी, शॉर्ट प्रेसी होगी, इट इज़ यूज़लेस. ओके, तो सेकेंड सेंटेंस देखें, ही एक्टेड विद ड्यू सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. ही एक्टेड, ये भी फ्रेज है, ही एक्टेड विद ड्यू सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, वीडियो को पॉज करें और कॉपी पे लिखें कि आप इसकी सही प्रेसी कर रहे हैं. ओके, कोशिश करें, ट्राई करें. ओके, जो मैंने कुछ एक्सरसाइज बुक से ली हैं, ही एक्टेड विद ड्यू सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. अभी हम चलते हैं इसका जो है ना प्रेसी कैसे होगी. इसकी प्रेसी होगी, ही एक्टेड रेस्पॉन्सिबली, ही एक्टेड रेस्पॉन्सिबिलिटी. थर्ड सेंटेंस में चलते हैं, दे सेटल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस आफ्टर ग्रेट डील ऑफ आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ डेलीब्रेशंस. तो इसकी आप प्रेसी कैसे बनाएंगे, दिस इज़ अ सेंटेंस, दिस इज़ अ फ्रेज प्रेसी. हम फ्रेज प्रेसी, सेंटेंस प्रेसी ये बनाना सीख रहे हैं. ओके, तो दे सेटल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ डेलीब्रेशन. इसकी प्रेसी, वीडियो को पॉज करें, अगेन आप कॉपी में लिखें, कोशिश करें आप इसकी प्रेसी कैसे बनाएंगे. अ ग्रेट ऑफ डील ऑफ डेलीब्रेशन को कैसे चेंज करेंगे, ये इसको चेंज करना है, अग्रीड अ ग्रेट डील ऑफ डेलीब्रेशन. तो इसकी प्रेसी होगी, दे सेटल टर्म्स एंड कंडीशन जुडिशियली. ओके, जुडिशियसली. ओके, दे सेटल टर्म्स एंड कंडीशन जुडिशियसली.
तो इसका जो टर्म्स एंड कंडीशंस जुडिशियसली हो गया वो उसको कन्वर्जन हो गया फ्रेज को वन से वर्ड में कन्वर्जन हो गया. ओके तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट ऑफ इन प्रेसी राइटिंग. ओके दूसरा सेंटेंस है हमारा सोल्जर्स फॉट इन द बैटल टूथ एंड नेल. अब टूथ एंड नेल जो है वो हमारा ईडियम है. टूथ एंड नेल मीन्स कम्प्लीटली. तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे सिंपल प्लेन लैंग्वेज अगर इसकी प्रेसी बनाना है. वीडियो को पॉज करें अगेन आप कोशिश करें ट्राई. अगर नहीं हो रहा नो मैटर हम यहाँ पे कुछ सीखेंगे. देर इज़ नो नीड टू वरी देर इज़ नो नीड टू गेट अटेंशन. आप प्रैक्टिस से ही सीखेंगे. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप अच्छी प्रेसी बना सकेंगे. ओके सोल्जर्स फॉट इन द बैटल टूथ एंड नेल. तो इसकी प्रेसी क्या होगी आइए देखते हैं. ओके सोल्जर्स फॉट फ्रोशियसली. सोल्जर्स फॉट फ्रोशियसली. टूथ एंड नेल का क्या सिंपल वर्ड्स में चेंज करेंगे तो यो सोल्जर्स फॉट फ्रोशियसली. ओके तो ये सिंपल थे. अभी देखें दूसरा सेंटेंस है हमारा द टीचर टोल्ड द पॉइंट्स विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स एंड जस्टिफिकेशंस. द टीचर टोल्ड द पॉइंट्स विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स एंड जस्टिफिकेशन. आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे. ओके विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स एंड जस्टिफिकेशन फ्रेज को कैसे कन्वर्ट करेंगे. विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स एंड जस्टिफिकेशन ये फ्रेज है इसको प्लेन वर्ड में कन्वर्ट करना है तो आप ट्राई करें. अभी देखते हैं इसकी प्रेसी कैसे होगी. ओके द टीचर एक्सप्लेन द पॉइंट्स सोलिडली. ओके द सोलिडली द टीचर एक्सप्लेन द पॉइंट्स सोलिडली. तो सोलिडली अन वर्ड्स में हमने चेंज कर दिया विद प्रॉपर एग्जाम्पल एंड जस्टिफिकेशन को. ओके तो ये हमारे सब एग्जाम्पल्स थे. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच नेक्स्ट आर नेक्स्ट वीडियो ऑन एडजेक्टिव फ्रेज. अब नेक्स्ट वीडियो हम एडजेक्टिव फ्रेज की प्रेसी बनाना सीखेंगे. ओके इन पार्ट थ्री ऑफ प्रेसी राइटिंग. नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो नेवर फॉरगेट टू वॉच अनदर पार्ट थ्री वीडियो ऑन प्रेसी राइटिंग. वी विल ऑल्सो अटेम्प्ट सम काइंड सम एक्सरसाइजेज ऑन एडजेक्टिव फ्रेज प्रेसी. ओके सो सी यू डियर फ्रेंड्स. होप यू एंजॉय दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.